किसान भाइयों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। इन्होंने हमारे किसान है, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नेमी चंद दगदी। हाँ, ये पहले इनके घोड़ों का तबेला था, ये जो दिख रहा है, जो अभी इनमें खेती दिख रही है। तो इन्होंने कैसे क्या किया वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और गेट खोल के अंदर घुसते हैं। आ जाओ, ये पीछे खेत का ट्रैक्टर का है, 9 फुट रास्ता है। हाँ, ये देखो ट्रैक्टर के लिए एंगल लगा रखी है। और ये सारी एंगल है, एंगल से पूरा शेड बना रखा है। तो बांस लगा दियो वहाँ, और ऊपर फिर बांस लगा दिया है, पक्का काम हो गया। ये मेन रास्ता 9 फुट का है। हाँ, और आगे उधर भी है। तो थोड़ा सा रोक, अब हमारे किसान भाई बताएंगे इसमें लागत कितनी लगी, फिर मैं आपको घोड़ों का तबेला कैसे पालते थे वो बताऊंगा। बताओ इसमें लागत कितनी लगी। हमारे बांस और एंगल 2 लाख रुपए लगे हमारे को, एंगल का पूरा जाल और ये बांस का लगाने का। जाल और एंगल का लागत 2 लाख रुपए। पहले मेरे घोड़ा घोड़ी रहती तो यहाँ पे क्या थोड़ी चट्टान वगैरह रेत कड़क थी, हमने इसमें भर्ती डलवा दी 4-5 फुट। अब इसमें हमने करेला लौकी कुछ भी लगा सकता है कि ये चट्टान थी पूरी। हाँ, तो रेत डलवाई और फिर इसको डेवलप किया, और डेवलप करने में टोटल खर्चा आपका 2 लाख है। हाँ, 2-2.5 लाख रुपए हो गया। 2.5 लाख रेत को और इसको एंगल को और इनका सारा यानी पक्का शेड बनाने का खर्चा 2.5 लाख के समथिंग है। तो अब आओ, आपको मैं दिखाता हूँ। घोड़ा पालक होता था, वो घोड़े का कमरा फटाफट दिखाओ आप। जल्दी अलर्ट रहे हो कैमरा मैन हमारे। वो कमरा घोड़े का कमरा था, ये घोड़ा का कमरा, ये भी घोड़े का कमरा है, इधर भी घोड़े। तो पीछे पीछे चलते हैं। ये बाटा का कमरा था, ये बाटे का जो घोड़ों का पशु वहां रखते थे उसका कमरा था। अभी लोग लगा हुआ है। ये घोड़े की थान, ये भी घोड़े की, ये भी घोड़े की थान। इसमें पानी पिलाने के लिए बाहर निकालते थे। अब ये भर्ती आ गई, नहीं तो बहुत ऊंचा था। और ये थान है, ये भी थान है, थान है जिसमें बाटा पशु आर यानी उनको खिलाई पिलाई के लिए चारा हो गया वो खिलाते थे। मैं दिखा देता हूँ। और ऊपर ये पहले चादर थे, सब हटा दिया, ऊपर चादर थे वो हटा दिए। और ये पक्की एंगल लगी हुई है आपके सामने है। और वो बाटे का कमरा आप भी दिखाए ये। और इसमें अब करेले की, पहले लौकी की खेती थी, और अब ये इसमें भी ड्रिप का सिस्टम था। और इनको लगा कि भाई अभी वायरस हो गया तो हमारा ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा करेला, तो इन्होंने एडवांस में ही टमाटर लगा दिए। और ये हमारे किसान है। तो कहते हैं ना, माली का 1 बीघा जाट का कितना हो डायल, वो पता है क्या आपको? ठाकर राजपूत का कितना? जाट की 4 बीघा और माली की 2 बीघा बराबर होती है। अच्छा, जाट की 4 बीघा, माली की 2 बीघा बराबर होती है, और राजपूत की 100 बीघा। 100 बीघा। अब तो राजपूत भी आगे आ रहे हैं। अब तो राजपूत भी जागृत हुए हैं। अभी कल ही इन्होंने ये रोटावेटर, मिनी रोटावेटर खरीदा है इसमें निराई गुड़ाई करने के लिए। अभी इनके हंजे होते, जो यंत्र होते हैं, वो अभी घर पे पड़े हैं, लेकिन इसका रिकनेस कर दिया गया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो एग्री क्लिनिक माँ अम्बे की तरफ, टीम की तरफ से आपको बिल्कुल धन्यवाद आपको भी सर। और मिक्स खेती, वो तेरी अंगुली आ रही है, अंगुली को नीचे कर दे। हाँ, ये मिक्स खेती में, सॉरी मिक्स खेती में यानी पालक घर के लिए क्या, यानी इनको बाहर से पालक धनिया कहीं छोटा मोटा सब्जी का खरीदना नहीं पड़े। तो ये पालक लगा दिया, धनिया लगा दिया, और ये करेले तो आपको पता ही है, और ये शेड मजबूत बना रखा है। अब किसान भाइयों, आप सोचते होंगे कि भाई ये तुड़ाई, इतनी ऊंचाई पे तुड़ाई कैसे करते है, उसका भी आपको जुगाड़ कर बताता हूँ। इधर आ जाओ, ये जुगाड़ है, ये वो, ये आपको दिखा देता हूँ। घोड़ा घोड़ा, ये जंगला, जंगला आपको अपन बोलते हैं जंगला, तो उसको इसके ऊपर स्टूल के ऊपर लगा के ये ऐसे सेट कर लिए, आराम से चढ़ो ऊपर, ऐसे चढ़ के लौकी जो भी एक्स वाइड जो अपन पसंद लगाते हैं, करेला हो गया, लौकी हो गई, तोरी तुवेर हो गई, तो उसको ऐसे तोड़ सकते हैं अपन चाकू से। तो ऐसी स्कीम आप भी लगा सकते हो। अभी देखो करेला चालू है,
और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के करेला है। और इसमें भी तीन सिंचाई का तीनों ही सिस्टम है। ये हरी वाली सरी वाली हो गए, ये इससे पिलाई हो जाती है, ड्रिप से भी हो जाती है, और स्प्रिंकलर तो नहीं है। तो स्प्रिंकलर का मतलब फुहारा लगा रखा है। फुहारा है क्या? ऊपर फुहारा है का? चार वो लगो, ये चार वो ऊपर। हां ऊपर ऊपर फुहारा है, मैं आपको दिखा देता हूं। चार पांच फुहारा लगा दिया, ये देखो फुहारे भी लगा रखे हैं। फुहारा ऊपर बड़ा दिख रहा है ना? फुहारा चार फुहारा लग रखे हैं, चार पांच बड़ी बरसा दवा है जैसी बरसा। हां आप दिख रहे हैं ये देखो। हां ये फुहारे लगा रखे ऊपर से ही। तो ऐसे ऐसे जिस भी किसान भाई के पास छोटा तबेला हो या किचन गार्डन हो या कोई सी भी जगह हो, तो आप किसी यान सिटी के किसान हुए, जैसे किसी के पास प्लॉट हुआ, टमाटर लगा, टमाटर भी लगा दिया हमने, तो हाँ तो ऐसे किसी किसान भाई के पास या प्लॉट में या सिटी में किसी के पास गार्डन हो या प्लॉट हो, तो उसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो छोटी मोटी इनकम भी हो जाएगी और डेवलप भी हो जाएंगे। तो आप इनसे इस साल भर में खेती से कितना कमा लेते हो? सर ये हमने अभी कम से कम इसमें लागत आकर लगा के 2-2.5 लाख रुपए लगा। हाँ लागत तो लग गई, हमने इसमें कम 1.5-2 लाख की तो लौकी बेच दी हमने, 1.5-2 लाख की। इतने से एरिया में, छोटे से एरिया, ये कितना एरिया होगा आपके अकॉर्डिंग? करीबन है 700 गज, करीबन 700 गज। 700 गज में इन्होंने इतना अच्छा डेवलप किया खेती में। तो जिसके भी पास छोटा सा प्लॉट हो, जगह हो, तो वो ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों को भेजें। थैंक यू।